नमस्कार। आज मैं कच्चे आम की यानी कच्ची कैरियों की खट्टी मीठी जो गोलियां बनती हैं वो बनाने जा रही हूँ। देखिए उसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है। ये मैंने कच्ची कैरियां हैं जिनको छील करके बीज निकाल के और इनको छोटे टुकड़ों में काट के बॉयल कर लिया। बॉयल करके मैंने इसका पानी अलग कर दिया है। वो पानी मैं फेंकूँगी नहीं, उसका मैं कुछ और रेसिपी बताऊँगी जो आपको आगे बताऊँगी। इसको इससे खट्टापन कम हो गया जिससे बच्चे इजीली खा सकते हैं। ये मैंने इसमें गुड़ लिया है, गुड़ को छोटे टुकड़ों में बारीक क्रश कर लिया। ये चीनी है, ये लाल मिर्च है, ये काली मिर्च है, ये चीनी पिसी हुई है ऐसी इसी की पीस ली गई है थोड़ी सी, जिससे मैं इसको लास्ट में रोल अप करूँगी, इसके ऊपर कवरिंग कोटिंग करेंगे। फिर ये भुना जीरा, ये काला नमक, ये सेंधा नमक, ये थोड़ा सा पुदीना पाउडर है जो सूखा हुआ है, और ये अमचूर है, ये सौंफ है, ये हींग है, और इसके लिए नन्ना सा घी है जिसमें मैं इसको सेकूंगी हींग को। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस रिलीज होते ही मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक कीजिए। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। इनको मैं मिक्सी में पीस रही हूँ, पीस के इनका पेस्ट बना लूंगी और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया फाइन पीस गई है, बिल्कुल फाइन पेस्ट है इसका। कोई भी अगर टुकड़ा मिल जाए तो उसको हटा देना है। सबसे पहले मैं इसमें घी डाल करके और इसमें हींग भून लेती हूँ। बस इतना ही डालना है जितने में ये हींग भून सके। ये हींग भून गया है, अब मैं इसमें पेस्ट डाल रही हूँ। इसको अब हम भून के गाढ़ा कर लेंगे। जब काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा तब मैं इसमें चीनी, नमक और मसाले मिलाऊंगी, क्योंकि चीनी और नमक डालने के बाद ये और पतला हो जाएगा। फिर इसमें से जो छिटकने लगता है ये, फिर हाथ जलने का डर रहता है, इसलिए इसको पहले गाढ़ा कर लेना ज़रूरी है। मैं इसमें दोनों किस्म के नमक, गुड़ और चीनी सब डाल रही हूँ और इसको चला लेती हूँ। इनको डालने से थोड़ी और पतला हो जाएगा। अभी सभी साथ में मैं और मसाले भी डाल देती हूँ सिवाय अमचूर के, अमचूर लास्ट में डालूँगी। मिर्ची, भुना जीरा, काली मिर्च और पुदीना, सिर्फ मैंने अमचूर अभी नहीं डाला है। अब ये गाढ़ा होने लगा है और ये जब पूरी तरह से इस कढ़ाई के किनारे छोड़ देगी तो मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी। अब ये गाढ़ा हो गया है, अब मैं इसमें अमचूर मिला रही हूँ और बस थोड़ा सा चलाने के बाद इसको बंद कर देंगे। ठंडा होकर ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा, गोली बनाने लायक हो जाएगा। ये देखिए कढ़ाई इसने छोड़नी शुरू कर दी है और अब ये आराम से गोलियाँ इसकी बन जाएंगी ठंडा होने के बाद। इसको पूरी तरह से ठंडा करना ज़रूरी है।
ये अब ठंडी हो गई हैं, अब ये गोलियाँ बन रही हैं, इनको मैं इसमें रैप करके यानी इसमें से गोलाई में घुमा के और इसके ऊपर शुगर कोटिंग करके रख रही हूँ। अब ये हो गई हैं और हम इनको इस तरह शुगर कोट करके रख सकते हैं। रखने के बाद इसको कुछ घंटे अगर हवा में रख दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी तरह सूख जाती हैं। ये गोलियाँ तैयार हो गई हैं, खाइए खिलाइए और अपने व्यूज शेयर कीजिए। बहुत ही सुंदर, बड़ी टेस्टी बनी है। आज के लिए बस इतना ही, अगली रेसिपी तक के लिए नमस्कार।